स्वागत है आप सभी का ग्याफन एकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में। फाइनली ऑफ कोर्स ये जो एपिसोड है ये एपिसोड 2 है उर्दू ग्रामर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। जी हाँ, उर्दू ग्रामर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आज के इस एपिसोड 2 में हम लोग करने वाले हैं टोटल 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आर यू रेडी 20 में 20 सही करने के लिए? कि आप सभी लोग तैयार हैं, एक्साइटेड है और मोटिवेटेड है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिएगा। आज आपको 20 में 20 सही करना है और फिर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि 20 में 20 हमारा सही हुआ है या फिर 20 में आप जितना भी सही कर पाएँ। अगर 20 में आप 18 सही कर पा रहे हैं तो समझिए कि आप लोग की तैयारी अच्छी है। ठीक है, जो कुछ भी आप लोग को पढ़ाया गया है वो चीज़ें आपको याद हैं और आप आसानी से उन सभी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन 18 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, 20 में 18 चलेगा लेकिन 18 से कम नहीं। ठीक है, 20 में या तो 18 नहीं तो 20 में 20 सही करना है। तो आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फटाफट वीडियो को कर दे लाइक। चैनल पर नए नए आए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब ताकि हर रोज़ आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे, इसका नेक्स्ट एपिसोड मिस ना हो जाए, एपिसोड 3। उसके लिए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके ही रखें। और उसके बाद से एक और ज़रूरी बात मैं कहना चाहूँगी कि आज के इस एपिसोड 2 को भी आप अपने स्टेटस पर ज़रूर लगा दें ताकि जितने भी आप लोगों के रिलेटिव्स हैं, आप लोगों के कॉन्टेक्ट में जितने भी लोग हैं, सभी लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें। ठीक है ना, तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गो टू स्टार्ट। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 से, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग इसके पहले एपिसोड में 20 क्वेश्चन कर चुके हैं, इसी वजह से सवाल स्टार्ट हो रहा है 21 नंबर से। देखिए, सवाल है कि बाजीगर का क्या मतलब है। ऑप्शन ए में है खिलौना बेचने वाला, बी में है तमाशा दिखाने वाला, सी में है जादूगर और डी में है खाना बनाने वाला। फटाफट अब आप लोग आंसर खुद से बताना शुरू कर दें और हो सके तो कमेंट बॉक्स में लिखकर भी बताएं। 21 नंबर सवाल है, बाजीगर का मतलब आप लोगों को बताना है। सबसे पहला बात तो खिलौना बेचने वाला तो हो नहीं सकता है, ऑप्शन नंबर ए डायरेक्ट कट कर दीजिए। और उसके बाद से बाजीगर का मतलब खाना बनाने वाला भी नहीं हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी भी कट कर दीजिए। अब बचा बी और सी, क्या लगता है? बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि बाजीगर का मतलब होता है जादूगर, जबकि ऐसा नहीं है, ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा इसका मतलब। इस सवाल का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी है, तमाशा दिखाने वाला है। जी हाँ, बाजीगर का मतलब होता है तमाशा दिखाने वाला, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 22 नंबर सवाल आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। सवाल है कि दरसगाह क्या है। ऑप्शन ए में है इसमें आला, बी में इसमें ज़र्फ, सी में इसमें मुसक्कर और डी में है इसमें मुकब्बर। फटाफट अब इसका आंसर आप लोग बताएं। दरसगाह ये जगह का नाम है और जगह या फिर वक्त के नाम को हम लोग कहते हैं इसमें ज़र्फ। मैं आप लोगों को पढ़ाई हूँ ना, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। कोई भी जगह हो या फिर किसी भी वक्त का नाम हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इसमें ज़र्फ कहते हैं। स्कूल हो, मस्जिद हो या फिर मदरसा हो, अस्पताल हो या फिर बंदरगाह हो, दरसगाह हो, ये सभी क्या कहलाएगा, इसमें ज़र्फ कहलाएगा। ठीक है, तो और यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन और है यहाँ पर, इसमें मुसक्कर और इसमें मुकब्बर। मुसक्कर का मतलब होता है छोटा किया हुआ, जिस नाम से छोटापन जाहिर हो उसे कहते हैं इसमें मुसक्कर, जैसे कि देगची। और इसमें मुकब्बर जिस नाम से बड़ापन जाहिर हो उसे कहते हैं हम लोग इसमें मुकब्बर, जैसे कि देगचा। देगचा हो जाएगा इसमें मुकब्बर और देगची हो जाएगा मुसक्कर, क्योंकि छोटापन जाहिर हो रहा है और देगचा से बड़ापन जाहिर हो रहा है तो वो हो जाएगा इसमें मुकब्बर। तो ये दोनों टॉपिक आप लोगों को पढ़ाए जा चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, ये सारा का सारा उर्दू ग्रामर का, देखिए हर एक टॉपिक आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है। तो अगर आप लोगों ने उर्दू ग्रामर को बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है प्लेलिस्ट का, आप लोग आराम से क्लिक करके, जैसे ही लिंक पर क्लिक करेंगे सारा का सारा वीडियो आप लोगों को मिल जाने वाला है और वहाँ से आप लोग उर्दू ग्रामर को कंप्लीट कर सकते हैं। और जब आप लोग उर्दू ग्रामर को कम्प्लीटली पढ़ लेंगे तो ये सारा क्वेश्चन आप लोगों के लिए हलवा लगने वाला है। ठीक है, तो 23 नंबर प्रश्न देखिए और फटाफट आंसर बताइए इसका क्या हो सकता है। तखल्लुस की मिसाल क्या है? तखल्लुस आप लोग को ऑलरेडी पढ़ाया गया है। ऑप्शन ए में गालिब, बी में खान बहादुर, सी में शेर बहादुर और डी में है अबुल हसन। तो तखल्लुस, शायर हजरात अपने शेर व शायरी के लास्ट लाइन में जो एक ख़ास नाम, एक स्पेशल नाम यूज़ करते हैं उसी को कहा जाता है तखल्लुस। तो असदुल्ला खां गालिब जो है ना अपने शेर व शायरी के लास्ट लाइन में गालिब नाम यूज़ करते हैं, तो गालिब क्या है, एक तखल्लुस है। तो इस सवाल का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, फटाफट आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 24 है कि इनमें से कौन सा लफ्ज़ मुजक्कर है यानी कि पुल्लिंग है। ऑप्शन ए में है परचम, बी में है जोगन, सी में है उलझन और डी में है जंग। इस सवाल का सही जवाब क्या होना चाहिए, ध्यान से सुने यहाँ पर।
मुजक्कर की बात किया जा रहा है, यानी कि पुल्लिंग लफ्ज आपको बताना है। स्टार्ट करते हैं ऑप्शन नंबर डी से, जंग। जंग हो गई है या फिर जंग शुरू हो गई है, शुरू हो गया है नहीं, जंग शुरू हो गई है, यानी कि जंग ये जो लफ्ज़ है ना ये मुजक्कर लफ्ज़ नहीं है, ये एक मोनस यानी कि स्त्रीलिंग लफ्ज़ है, तो ऑप्शन नंबर डी तो होगा नहीं। उलझन, मैं अभी उलझन में हूँ या फिर उलझन में फंसी हुई हूँ, ठीक है, तो उलझन ये भी लफ्ज़ जो है ना मोनस लफ्ज़ है, स्त्रीलिंग लफ्ज़ है, तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। ये जोगन, जोगन लफ्ज़ भी क्या होगा, ये भी स्त्रीलिंग लफ्ज़ ही है, मैं तेरी बनी जोगन, ठीक है, ऐसे सुने होंगे आप लोग, तो ऑप्शन नंबर बी भी कट कर दीजिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। परचम लहरा रहा है, परचम लहरा रही है नहीं, परचम लहरा रहा है, यानी कि परचम क्या है, ये एक मुजक्कर लफ्ज़ है, पुलिंग लफ्ज़ है, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये सारा का सारा क्वेश्चन आप लोगों को आसान लग रहा होगा क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों ने उर्दू ग्रामर को पढ़ लिया है कम्प्लीटली, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है कि हमद का मुतरादिफ क्या होगा। ऑप्शन ए में है सना, बी में है नात, सी में अकीदत और डी में है बंदगी। हमद का मुतरादिफ, मुतरादिफ का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द, हिंदी में कहते हैं, और इंग्लिश में कहा जाता है सिनोनिम, यानी कि एक जैसा मानी रखने वाला लफ्ज़। हमद का एक जैसा मानी रखने वाला लफ्ज़ आप लोगों को बताना है कौन है, ठीक है, तो ध्यान से सुने। हमद और सना दोनों का मतलब एक ही होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब। आप लोग सुने होंगे ना हमद और सना, हमद या सना दोनों का मतलब एक ही है, जिसका मतलब होता है अल्लाह ताला की तारीफ़ करना। जिस नज़्म में अल्लाह ताला की तारीफ़ और तौसीफ़ बयान की जाए, उस तरह की नज़्म, उस तरह की कविता को कहा जाता है हमद, ठीक है, और इसी का मुतरादिफ लफ्ज़ क्या हो जाएगा, सना, यानी कि हमद और सना दोनों का मतलब ही अल्लाह ताला की तारीफ़ करना, ठीक है। लेकिन नात की बात की जाए तो नात का माने होता है, मतलब नात का मतलब वह नज़्म जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ़ और तौसीफ़ बयान की जाए, यानी कि नात वह उस नज़्म को कहते हैं जिसमें अल्लाह के रसूल हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ़ और तौसीफ़ बयान की जाती है, ठीक है। तो इस सवाल का सही जवाब तो ऑप्शन नंबर ए हो गया, और बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि मुहम्मल लफ्ज़ किसे कहते हैं। ऑप्शन ए में है जिसका मानी हो, बी में है जिसका मानी नहीं हो, सी में है जिसका मानी आसान हो और डी में है जिसका मानी मुश्किल हो। तो यहाँ पर मुहम्मल, ये मुहम्मल भी गलत टाइप हुआ है, इस तरह रहेगा, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, ये वाला है रहेगा मुहम्मल में, ये वाला है नहीं रहेगा, ठीक है। तो मुहम्मल लफ्ज़ किसे कहते हैं आप लोगों को बताना है। ऑलरेडी ये मैं आप लोगों को बताई थी उर्दू ग्रामर के स्टार्टिंग वाले क्लास में, ठीक है, शुरू में ही आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। तो यहाँ पर मुहम्मल लफ्ज़ का मतलब होता है जिसका मानी नहीं हो, जिस लफ्ज़ का कोई मानी ना हो, उस तरह के लफ्ज़ को कहा जाता है लफ्ज़ मुहम्मल, ठीक है। जैसे कि रोटी और वोटी, रोटी वोटी हम लोग बोलते हैं ना, तो रोटी का तो मानी है, वोटी का मानी नहीं है, तो वोटी क्या कहलाएगा, लफ्ज़ मुहम्मल कहलाएगा। उसी तरीके से किताब विताब, किताब का तो मानी है, विताब का मानी नहीं है, तो विताब क्या कहलाएगा, लफ्ज़ मुहम्मल कहलाएगा। उसी तरीके से अगर बात की जाए खाना वाना, तो खाना वाना, खाना का तो मानी है लेकिन वाना का कोई मानी नहीं है, तो वाना लफ्ज़ क्या कहलाएगा, लफ्ज़ मुहम्मल कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लफ्ज़ मुहम्मल के एग्जांपल कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि कौन से वो डेली लाइफ में हम लोग लफ्ज़ मुहम्मल बोलते हैं जिसका मानी नहीं है, यानी कि कौन से वो लफ्ज़ बोलते हैं जिसका मानी नहीं होता है। रोटी वोटी ये तो हम लोग हमेशा बोलते हैं, खाना वाना, ठीक है, या फिर किताब विताब बोलते हैं, और कौन से वो लफ्ज़ हैं जिसका कोई मानी नहीं है, यानी कि वो लफ्ज़ मुहम्मल है, कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखकर ज़रा बता दें। चलिए तब तक आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कि काशिफ खेल रहा है, इस जुमले में काशिफ क्या है। ऑप्शन ए में है फेल, बी में है फाइल, सी में है मफ़ूल और डी में है फेल नाकिस। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होना चाहिए। काशिफ खेल रहा है, ये सेंटेंस को पढ़िए और इस सेंटेंस में आपको बताना है कि काशिफ, ये जो काशिफ है ये काशिफ क्या है। फेल कहते हैं वर्ब को, ठीक है, यानी कि क्रिया काम को। फाइल कहते हैं सब्जेक्ट जो काम को करता है। मफूल कहते हैं ऑब्जेक्ट को। और फेल नाकिस तो फेल का ही, यानी कि वर्ब का ही एक टाइप है। तो यहाँ पर काशिफ खेल रहा है, खेलने का काम कौन कर रहा है, काशिफ कर रहा है। तो जो काम करता है, जो क्रिया करता है, उसको कहा जाता है फाइल, यानी कि सब्जेक्ट। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, तो जी हाँ ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। इसको धीरे से टिक करके चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि दर्जैल में साबका वाले लफ्ज़ की निशानदेही
नहीं कीजिए। सौ से साब का, सौ से शुरू, ला से लाह का, ला से लास्ट। ट्रिक तो मैं आप लोगों को बताई हूँ, जो शुरू में जुड़ जाए उसे साब का कहते हैं, जो लास्ट में जुड़े उसे ला का कहते हैं। तो यहाँ पर साब का वाले लफ्ज़ की निशानदही करनी है, यानी कि चार ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में देखना है कि कौन सा ऐसा लफ्ज़ है जिसमें साब का है। तो देखिए, ऑप्शन ए में है बागबान, बी में है पानदान, सी में है दुकानदार और डी में है ला इल्म। तो डायरेक्ट यहाँ पर दिख जा रहा है इल्म के स्टार्टिंग में ला जुड़ा हुआ है, ला इल्म, यानी कि यहाँ पर शुरू में जुड़ा हुआ है, स्टार्टिंग में ला जुड़ा है, यही है साबका वाला लफ्ज़। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि ताज़ा हवा में हवा क्या है। ऑप्शन ए में है मौसूफ, बी में है सिफत, सी में है फेल और डी में है ज़मीर। ताज़ा हवा, हवा कैसा है? ताज़ा है। हवा की क्वालिटी पता चल रही है ताज़ा लफ्ज़ के ज़रिए कि हवा ताज़ा है। तो ताज़ा इस लफ्ज़ को कहेंगे हम लोग सिफत, लेकिन किसकी क्वालिटी बताई जा रही है? हवा की क्वालिटी बताई जा रही है ना, तो हवा कहलाएगा मौसूफ। तो ताज़ा हवा में हवा क्या है? एक मौसूफ है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कि दर्ज़ैल में इस्म मुसग्गर कौन है। इस्म मुसग्गर में आप लोग को स्टार्टिंग में ही बताई, जिस नाम से छुटापन जाहिर हो उसे कहते हैं हम लोग इसम मुसग्गर। तो देखिए, किताब तो होगा नहीं, उसके बाद से कुर्सी भी नहीं होगा, डब्बा भी नहीं होगा, बागीचा, बागीचा हो जाएगा करेक्ट आंसर। बाग के सामने बागीचा जो है ना वो छोटा ही होता है, छुटापन जाहिर हो रहा है। अगर बाग और बागीचा दोनों एक साथ बोला जाए तो बागीचा लगेगा कि हाँ बाग से छोटा है। तो बागीचा इज़ द करेक्ट आंसर और बागीचा थोड़ा सा यहाँ पर गलत टाइप हो गया है, बागीचा ऐसे रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस मुसग्गर कौन है? बागीचा। आगे बढ़ते हैं कि दर्ज़ैल में अलिफ मकसूरा किस लफ्ज़ में है। ऑप्शन ए में है अगर, बी में है आम, सी में है आदमी और डी में है आदम। उर्दू ग्रामर के स्टार्टिंग वाले क्लास में ही मैं आप लोगों को अलिफ की किस्मों को पढ़ाई थी और उसमें आप लोगों को बताई थी कि अलिफ मकसूरा उस अलिफ को कहते हैं जिसको खींच कर ना पढ़ा जाए। देखिए, आम इस अलिफ को खींच कर पढ़ा जा रहा है तो ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। आदमी, इसमें भी अलिफ को खींच कर पढ़ा जा रहा है आदमी, तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। आदम, इसको भी, इस अलिफ को भी खींच कर पढ़ा जा रहा है तो ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। और वही बात करें ऑप्शन नंबर ए की, तो ऑप्शन नंबर ए में जो लफ्ज़ है अगर, इसमें अलिफ को हम लोग खींच कर नहीं पढ़ रहे, डायरेक्ट बोल दे रहे हैं अगर, ठीक है, लेकिन इसको पढ़ेंगे, इन तीनों लफ्ज़ को पढ़ेंगे तो अलिफ को खींच कर पढ़ा जाएगा, आम, आदमी, आदम, लेकिन इसको डायरेक्ट हम लोग पढ़ दे रहे हैं अगर। तो इस तरह के अलिफ को कहा जाता है अलिफ मकसूरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 है कि ईमान की ज़िद क्या होगी। ऑप्शन ए में है काफिर, बी में है कुफ्र, सी में है कफ़ार और डी में है कफ़ारा। ईमान की ज़िद यानी कि अपोजिट वर्ड, ठीक है, हिंदी में इसको कहा जाता है विपरीतार्थक शब्द, यानी कि उल्टा अर्थ रखने वाला शब्द कौन सा है आप लोगों को बताना है, एंटोनिम। तो ईमान की ज़िद क्या होगी, अपोजिट वर्ड। ऑप्शन नंबर बी में देखिए कुफ्र लिखा है ना, तो ईमान का ज़िद होता है कुफ्र। 32 का ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ये बहुत ही आसान है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 की हक की ज़िद क्या होगी। ऑप्शन ए में है बातिन, बी में है बातिल, सी में है ज़ाहिर और डी में है हकीकत। ये भी बहुत आसान है, हक का ज़िद यानी कि अपोजिट वर्ड होता है बातिल। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है कि मंदरज़ैल में इस्म मुसग्गर कौन है। ऑप्शन ए में है बाग, बी में है किताब, सी में है किताबचा और डी में है डब्बा। तो इस्म मुसग्गर, जैसा कि मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में बताई, मुसग्गर का मतलब होता है छोटा किया हुआ, जिस नाम से छुटापन जाहिर हो। तो देखिए, ये जो किताबचा है ना, ये इससे छोटापन जाहिर हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। बाग तो होगा नहीं, किताब तो होगा नहीं और डब्बा भी नहीं होगा, किताबचा से छुटापन जाहिर हो रहा है। ठीक है, तो सही विकल्प ऑप्शन नंबर, यानी कि विकल्प नंबर सी है। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 35 कि वहाँ मत जाओ, इस जुमले में मत जाओ कौन सा फेल है। ऑप्शन ए में है फेल अमर, बी में फेल नहीं, सी में फेल माजी और डी में फेल मुस्तकबिल। तो वहाँ मत जाओ इस सेंटेंस में अगर आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस सेंटेंस में काम को नहीं करने का हुक्म दिया जा रहा है। वहाँ मत जाओ, काम को नहीं करने का ऑर्डर दिया जा रहा है। तो जिस काम को नहीं करने का ऑर्डर दिया जाए, उस तरह के काम यानी कि उस तरह की क्रिया को, उस तरह के फेल को कहा जाता है फेल नहीं। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35
हो गया 36 की तरफ। और यहाँ पर ध्यान रहे, फेल अमर कहते हैं जिस काम को करने का हुक्म दिया जाए, जैसे कि तुम मेरा पैर दबाओ, मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, ठीक है। फेल माजी कहते हैं जो काम पहले से हो चुका हो, माजी में यानी कि पास्ट टाइम में। और फेल मुस्तकबिल कहते हैं जो काम आने वाले समय में यानी कि मुस्तकबिल में होने वाला हो, जैसे कि कल मैं आप लोगों को एपिसोड 3 प्रोवाइड करूँगी, यानी कि काम जो है ना अब ये आने वाले समय में होगा, ठीक है ना। फिर इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं आप लोगों को 20 क्वेश्चन कराऊँगी और उसमें आप लोग 20 में 20 सही करने के लिए तैयार रहिएगा, टारगेट 20 में 20 होना चाहिए, ठीक है। तो ये बातें हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है कि रूह की सिफत क्या होगी। रूह की सिफत यानी कि एडजेक्टिव विशेषण आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए में है अरवाह, बी में है रूहानी, सी में है रूहानियत और डी में है रूमानी। तो जिस तरीके से यहाँ पर हिंदी में आप लोगों से संज्ञा से विशेषण बनाने के लिए पूछता है, संज्ञा दे देता है और उससे कहता है बताइए इस संज्ञा का विशेषण क्या होगा, उसी तरीके से यहाँ पर उर्दू में भी पूछा जाता है। अब मान लीजिए हिंदी में आप लोग क्वेश्चन देखे होंगे, कह देगा कि बताइए परिवार का विशेषण क्या होगा, तो जिस भी ऑप्शन में आप लोगों को पारिवारिक दिखाई दे उसको टिक कर देना है, परिवार का पारिवारिक, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर उर्दू में क्वेश्चन पूछा जाता, इसी तरीके से पूछा जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए पूछ दिया है रूह की सिफत यानी कि रूह का एडजेक्टिव क्या होगा, तो रूह का एडजेक्टिव यानी कि विशेषण होता है रूहानी, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है 37 की वकील की जमा क्या होगी, यानी कि प्लूरल बहुवचन बताना है। ऑप्शन ए में है वकला, बी में है वकालत, सी में है मुवक्कल और डी में है मुतवक्कल, ठीक है। तो वकील का जमा यानी कि बहुवचन होता है वकला, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर और यहाँ पर हमजा रहेगा, ठीक है। वकला जमा वकला होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है कि अहमद आया होगा, इसमें आया होगा कौन सा फेल है। ऑप्शन ए में है माजी बईद, बी में है माजी मुतलक, सी में माजी शकिया और डी में है माजी करीब। अहमद आया होगा, जरा इस सेंटेंस को पढ़िए, अहमद आया होगा, पढ़कर आप लोगों को क्या पता चल रहा है कि इस काम में शक पाया जा रहा है, 100% कंफर्म नहीं है कि अहमद आया है कि नहीं आया, अहमद आया होगा यानी कि इस काम में शक पाया जा रहा है, और जिस काम में शक पाया जाए उस तरह के काम को कहते हैं फेल माजी शकिया। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 है कि हर्फ निदा की मिसाल क्या है। ऑप्शन ए में है लड़को, बी में है क्या, सी में है मगर और डी में है अलबत्ता। अब देखिए उर्दू ग्रामर के कुछ कुछ ऐसे टॉपिक मिलेंगे जिस टॉपिक को आप लोगों ने नहीं पढ़ रखा हो, लेकिन उसको मैं आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। अब आप लोग उस वो टॉपिक ढूंढेंगे कैसे, तो सिंपली बात है आप सर्च करके भी देख सकते हैं। अब मान लीजिए हर्फ निदा आप लोगों को नहीं पता है, जो कि मैं आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, नहीं पता होगा, लेकिन जो स्टूडेंट उर्दू ग्रामर के सभी टॉपिक को पढ़े होंगे जो कि मैं आप लोगों को पढ़ाई हूँ, तो वो आप लोगों को पता होगा कि हर्फ निदा किसे कहते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप लोग डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं हुरूफ की किस्में बाई मुस्कान मैम, और ध्यान रहे मुस्कान मैम में MUSKAA AA ज़रूर दीजिएगा मुस्कान मैम। तो इस तरीके से अगर आप लोग सर्च करेंगे तो मिल जाएगा हरूफ की किस्में बाई मुस्कान मैम, तो वो वीडियो मिल जाएगा जिसमें हरूफ की यानी कि हर्फ की किस्में बताई हूँ, हरूफ या फिर हर्फ, हर्फ की किस्में भाई मुस्कान मैम या फिर हुरूफ की किस्में भाई मुस्कान मैम सर्च करेंगे तो आप लोगों को वीडियो हमारा मिल जाएगा। तो आप लोग देखकर हर्फ के जितने भी टाइप हैं वहाँ पर मैं आप लोगों को बताई हूँ और आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो कोई कोई ऐसा टॉपिक है जो कि आप लोग पढ़े नहीं होंगे, लेकिन उससे आप लोग के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वो मैं आप लोगों को टॉपिक ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए वो टॉपिक को ढूंढना होगा तो हर एक टॉपिक को आप सर्च करके भी ढूंढ सकते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए आप लोगों को तशरीह करना नहीं आता है, और पिछले सेशन में तशरीह करना बताई थी, हालांकि इस सेशन में भी बताऊंगी, अभी आप लोग का एग्ज़ाम नज़दीक आने दीजिए, अभी तो आप लोग का एग्ज़ाम बहुत दूर है, तो अभी सिर्फ आप लोग को ऑब्जेक्टिव कराया जा रहा है, कॉन्टेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, बाद में आप लोगों को हर एक चीज़ बताया जाएगा कि तशरीह कैसे किया जाता है, तलखीस कैसे पेश किया जाता है, सियाक व सबाक के हवाले से जो है ना इक्तबास की तशरीह कैसे की जाती है, एग्ज़ाम में जो है ना आंसर शीट को कैसे लिखा जाता है, लाइन छोड़कर लिखे या फिर लाइन कटा कर लिखे, जैसे भी हो, ये हर एक चीज़ आप लोगों को बाद में बताया जाएगा जब आप लोगों का एग्ज़ाम करीब आएगा तो। लेकिन फिलहाल अभी के लिए आप प्रिपेयर होना चाहते हैं, तो अगर आपको नहीं पता है कि तशरीह कैसे की जाती है तो आप लोग सिंपली यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं तशरीह कैसे करें बाई मुस्कान मैम, बस लास्ट में आप लोगों को बाई मुस्कान मैम ज़रूर लगाना है, ठीक है। तशरीह कैसे करें बाई मुस्कान मैम आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा जैसे ही सर्च करेंगे तो। अब मान लीजिए तलखीस के लिए आता है, तलखीस पेश करने के लिए आता है कि तलखीस करें, इसको हिंदी में कहा जाता है संक्षेपण, जिस तरीके से हिंदी में संक्षेपण करने के लिए आता है उसी तरीके से उर्दू में तलखीस करने के लिए आता है। तो तलखीस कैसे किया जाता है ये भी मैं आप लोगों को बताई हूँ,
तो इस टॉपिक को भी जो कि मैं पिछले सेशन में बताई थी पिछले वाले बैच में, तो आप लोग अभी से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हर एक टॉपिक को पढ़ाया गया है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका कहना है कि मैम आप तो उर्दू ग्रामर का ये टॉपिक पढ़ाई ही नहीं है, जबकि उनको पता ही नहीं है कि ये टॉपिक सारा पढ़ाया जा चुका है और उनको वो वीडियो जो है ना मिल नहीं पा रहा है। तो आप आसानी से हर एक टॉपिक को सर्च करके जो है ना आप वीडियो को ढूंढ सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा परेशानी भी नहीं होगी, आप आसानी से सर्च करेंगे और आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा बस। और अगर नहीं मिलता है वीडियो ढूंढने पर, सर्च करने पर नहीं मिलता है, तब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, तो फिर आप लोगों को हेल्प किया जाएगा, ठीक है ना। बाकी कौन सा ऐसा टॉपिक है जो कि उर्दू ग्रामर में आप लोगों को नहीं पढ़ाई हूँ, हर एक टॉपिक को पढ़ाया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग सर्च कर ले। अब मान लीजिए सेगा है, कुछ स्टूडेंट का कहना था कि मैम आप सेगा नहीं पढ़ाई हैं, सेगा पढ़ा दीजिए, ठीक है। वाहिद, वाहिद हाजिर, जमा हाजिर, वाहिद गायब, जमा गायब, ये सब क्या होता है मुझे समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो ये सब सेगा के अंतर्गत आता है। तो सेगा बाई मुस्कान मैम लिख सकते हैं, सेगा बाई मुस्कान मैम, ठीक है। तो आप लोग को वो वीडियो मिल जाएगा। तो ये ऐसा टॉपिक है जो आप लोग हो सकता है कि शायद नहीं पढ़े हों, लेकिन पढ़ ज़रूर लें, इससे भी आप लोग के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ज़्यादा बात ना करते हुए। आई होप आप लोग को हमारी बातें समझ में आ गई होगी। हर्फ निदा की मिसाल कौन सा है? देखिए हर्फ निदा सिंपल सी बात है, यहाँ पर पहचानने का ट्रिक मैं बता दे रही हूँ, जिसमें आप लोग को एक्सक्लेमेशन मार्क दिखाई दे, उसको धीरे से आप लोग हर्फ निदा टिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है, लड़खड़ाहट क्या है? ऑप्शन ए में है फेल, बी में है बी में है मजदर, सी में हासिले मजदर और डी में है कीफियत। तो लड़खड़ाहट क्या होना चाहिए? हासिले मजदर होना चाहिए। तो जी हाँ, हासिले मजदर ही होना चाहिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है ना लड़खड़ाहट की लड़खड़ाना से बना है, तो लड़खड़ाना से ऐसा लग रहा है कि लड़खड़ाहट बना है, तो इसी को क्या कहेंगे? हासिले मजदर कहेंगे। तो फाइनली उर्दू ग्रामर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के इस एपिसोड 2 में हम लोग टोटल 20 क्वेश्चन कर चुके हैं, और आप लोग 20 में से कितना सही कर पाए हैं अपने हिसाब से कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दें। और किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो भी कमेंट में लिखकर पूछ लीजिएगा, हो सकेगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उस कन्फ्यूज़न को क्लियर कर दूँ। और बाकी जो कुछ भी आप लोगों को समझाया गया है, समझ में आया और वीडियो अच्छा लगा है, तो देन वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें और स्टेटस ज़रूर लगा दें। और उसके बाद से आप लोगों को क्या करना है, इसके नेक्स्ट एपिसोड का इंतज़ार करना है। बहुत जल्द एपिसोड 3 भी अपलोड होगा, बस आप लोग थोड़ा सा इंतज़ार कर लें। और आप लोगों को मैं बताई हूँ, हमारी एंट्री भले ही यूट्यूब पर थोड़ी लेट होती है, लेकिन सबसे ग्रेट होती है, कंटेंट एकदम ज़बरदस्त होता है, ठीक है। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, इंतज़ार कीजिए, फिर मिलेंगे हम लोग इसके नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।